आज हम वीवो Y69 का चार्जिंग जैक चेंज करेंगे। आइए देखते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले जैक के ऊपर फ्लक्स डाल लेंगे। फ्लक्स डालने के बाद इसको हम आयरन से निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा माइक ख़राब ना हो। अधिकतर बंदों के माइक ख़राब हो जाते हैं, स्टिक से माइक ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा इस पर हम सोल्डरिंग वायर का यूज़ करेंगे ताकि जल्दी निकल जाइए। बहुत ही आराम से निकलेगा। ये देखिए किस तरह निकल रहा है। क्लीन करने के बाद हम इसको डिसोल्डिंग वायर से क्लीन करेंगे बढ़िया से। वीडियो पे बने रहिए, देखिए हम कैसे इसको क्लीन करते हैं। छोटी छोटी ट्रिक आपको मदद करेगी जैक रिपेयर करने में, माइक रिपेयर करने में। हम ऐसी वीडियो बनाते हैं। सोल्डिंग वायर से हम सब क्लीन करते हैं बढ़िया से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना क्लीन हो गया है। हम इस पर जैक लगाएंगे और फ्लक्स लगा के इसको रिसोल्ड करते हैं। आप भी ऐसे बड़ी आसानी से जैक लगा सकते हैं। और पीछे पिनों पे फ्लक्स लगा के इसको रिसोल्ड करते हैं। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हम इस तरह की वीडियो बना के रखते हैं।
सो क्लीन करके फिर आपको चेक कराते हैं क्या वोल्टेज बन रही है पिनों पे। बढ़िया से क्लीन कर लीजिएगा ताकि गम वगैरह ना रहे इस पर, नहीं तो फिर बाद में धूल मिट्टी से जैक जल्दी ख़राब हो जाएगा, कस्टमर फिर दोबारा रिटर्न आ जाता है। छोटी छोटी ट्रिक है, यूज करोगे तो दुकान पे कस्टमर ज़्यादा आएंगे, जो आपसे जैक लगा के ले जाएगा फिर बोलेगा वाह क्या जैक लगाया है। चलो छोड़ो, देखते हैं कि इस पे वोल्टेज बन रही कि नहीं बन रही। मीटर पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये देखिए 6.25 बन रही है, ये देखिए चार्जिंग फ्लक्स पे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।